मैंने खाया चलो मुझे दस्त लग गए, पर इसने भी तो खाया था, इसके नहीं लगे, इसे घी हजम है ना। कुत्तों को घी हजम नहीं है ना। नहीं मैं कुत्ता नहीं हूँ। मेरे तो किचन में खड़े होकर बोल रहे हैं मैंने नहीं खाया मम्मा। हाँ भाई तू भी खा रहा है, ये देख रहे स्वाद ले रही, कितना खाएगी, पागल में मोटी हो जाएगी। सारा खा गई, तभी खा ले, ले बेटा खा ले ना सरमारा, ले खा ले, खा ले। अरे मुझे खाएगा, रोटी खानी बस, खा ले खा ले खा ले ना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी निकलते हैं जल्दी से फटाफट, पहले नाश्ता कर लेते हैं, कहाँ के लिए निकलना है वो कराना है भाई, आज व्हील बैलेंसिंग गाड़ी का और अलाइनमेंट करा लेता हूँ, और जल्दी से उसे आज वॉश करा देते हैं, अंदर बाहर से बहुत गंदी भी हो रही है। और देखो मायरा आ गई पीछे ना। हेलो मायरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? तो भाई जल्दी से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर फटाफट से निकलते है नी। तो चलो तो भाई अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया, फटाफट से कर लेते हैं, फिर जल्दी से फटाफट बढ़ते हैं, एक कुछ गाने सुन लेता हूँ तब तक ब्रेकफास्ट करते करते ना, ठीक है। और ये भी मायरा भी खाएगी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेगी, जल्दी से ब्रेकफास्ट हो जाता है कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं, निकलते हैं फिर ना। हाँ तो भाई अब चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अब? अभी मैं जा रहा हूँ भाई, पहले पहले हम जा रहे हैं अथर्व में गाड़ी को नहीं, अथर्व को दिखाने के लिए। अगर अथर्व की तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो अथर्व को पहले आप दिखा के आएंगे फटाफट डॉक्टर को, फिर उसके बाद हम बाकी के काम करेंगे आज अपने। क्यों अथर्व, बाकी के काम भी करने हैं ना आज? हाँ करने। चल पहला भी हमें एक और रिपोर्ट आनी है की, तो वो रिपोर्ट भी इसकी ले लेते हैं जाके ना फटाफट से। गाड़ी देखो यार कितनी डस्ट हो गई ना इस पर, देखो कितनी गंदी हो रही है भाई, मैंने इसे साफ करी नहीं थी, तो इसे अब फटाफट से आज अच्छे से वॉश करा लेते हैं। ये थर्प की दोनों रिपोर्ट ले भी ली थी सैम पैथोलॉजी लैब से, सामने से ली है बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था एक रिपोर्ट है इसकी, तो भाई की दो रिपोर्ट है, मतलब टोटल तीन रिपोर्ट इसके, तीन टेस्ट हुए थे इसके। तो अभी जा रहे डॉक्टर के पास पहले फटाफट से, तो हमें डॉक्टर को दिखा देते हैं अभी से, और सीट बेल्ट लगा लेते हैं फटाफट से पहले, ये भी जरूरी है, सीट बेल्ट भी जरूरी है। क्यों तो पता, सीट बेल्ट भी जरूरी है ना, है ना? आपने तो नहीं लगाई, लगाओ फिर सीट बेल्ट, क्या कह रहा आपके साइज की नहीं है? अच्छा चलो तो हम आराम आराम से चलेंगे बहुत धीरे धीरे हैं। त्या बोला हेलो गाइज, ऐसा बोला हेलो गाइज। चलो तो भाई डॉक्टर साहब के पास आ गए थे, डॉक्टर हमारे साहब यहाँ बैठते हैं, ये वाला ये डॉक्टर दीपक गोयल, तो इन्हें दिखाना, तो इन्हें दिखा के आते पहले फटाफट ना, फिर आज बाकी के काम करने। आओ इधर आओ, लो दिखा दी सब। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया है कि इसकी माँ इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, खून की कमी हो रही है, और इसे एक दिन इन्फेक्शन और हो रखे है, तो इसे ध्यान रखना है इसका बहुत ज्यादा। नहीं मैंने बताया था, मैंने टफी की रोटी खाता है, तो कह रहे उससे कोई कुत्ते से वो नहीं होता इन्फेक्शन, कह रहे माँ से इन्फेक्शन है इसकी, मेकअप कराती है बहुत ज्यादा। बात बोलो ना, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, बस दस्त ठीक हो जाएंगे, इसकी पोटी ठीक हो जाएगी जब नॉर्मल है, फिर इसका ब्लड की वो कह रहे हैं ब्लड की कमी है, तो उसकी दवाई लिख देंगे। हाँ तो वो कह रहे हैं दवाई ववाई दे देना सर, तो हाँ और कोई दिक्कत ना है, मना कर रहे हैं। क्या बाकी ठीक है कह रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो काउंट कम है, प्लेटलेट भी कम है इसकी, तो हैं प्लेटलेट भी कम है। अरे कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस कहा कि ब्लड कम है, वो ब्लड का इशू आ रहा है और कुछ नहीं है। तो वो कह रहा पहले पेट ठीक हो जाएगा इसका, तो उसके बाद फिर उसकी दवाई दे देंगे खून की। कब बुलाया? अब मंडे में, अब मंडे में बुलाया है।
मैंने बुलाया। आ गया तू? हाँ भाई, यहाँ चल रहा है भाई आज काम। याली रोड बन रही है मैंक वाली। मैंक पैसा कौन दे रहा है इस रोड का? नगर निगम। नगर निगम? अच्छा, इतना पैसा आ रहा है इनके पास? फुहारे लगेंगे ना घर, हर घर के कोने पे। अच्छा, तुम्हें भी लगवाने हैं? नहीं। हाँ यार, हमारी में लगवा दे वैसे तो। गली में घर ले लो। एक ही ऑप्शन है भैया। आशु क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं, आने के लिए। हाँ लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तुझसे कहते बाहर को आ जाए तुरंत अभी। कहाँ को बाहर? बाहर देखे पुल के पास। मायावती जी? हाँ मायावती जी के पुल के पास है। अच्छा, उनके सपोर्टर पूरा मान गए तो। अच्छा अच्छा, बुरा मानने वाला तो एक ही होगा। दो, छोड़ो उस बात को। कुछ ऐसी बातें होती हैं जस जितनी जल्दी भूल जाओ। चलो तो भाई फटाफट चलते हैं, आज सुबह ले लेते हैं। गली के बाहर आ जाओ, मांग रहे हैं ना। भैया हम लिया है, पैसे वाली चीज पार्टी है हमारे साथ। तो भाई अभी आ गए थे हम वॉशिंग कराने वाली थी यहाँ पर। ये क्या है? तरुमा सैन? नहीं, जतिन सैनिक। वे नाम कहाँ है इसका? ये रहा डायमंड है। नहीं, गाड़ी चलाना सीख। गाड़ी इसका नाम क्या है वॉशिंग वाले का? जान पहचान। अच्छा, जान पहचान है भाई, जान पहचान वाला है ये दुकान का नाम है इसकी। है नहीं वॉशिंग सेंटर का नाम? मुझे ना पता, मैं भी इतने साल का। तो भाई इसका नाम है ये भाई गंगा रोड पे, कौन सा रोड पे? गंगानगर में। ये गंगानगर में है भाई वॉशिंग सेंटर। तो यहाँ वॉश कराना आए थे, वॉश करा के अभी फटाफट चला। इसका व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के लिए दिखा दिया था तो उसने मना कर दिया, व्हील बैलेंसिंग की जरूरत नहीं ना अलाइनमेंट की, ठीक है इसका। तो बस यहाँ पे वॉशिंग करा के फटाफट अंदर बाहर से चलते। क्या गौतम सर्विस? अच्छा ये है भाई गौतम सर्विस सेंटर पे आए थे। जिस भाई को करानी हो फटाफट आ जाना, यहाँ पर कराना है। आशु भाई का नाम ले लेना, यहाँ पे सिक्का चल रहा है भाई का। चलो कैसा होगा तभी तो रिव्यू। हाँ, बाकी गाड़ी अभी ऐसी है जैसी देख रखी है तुमने, गंदी बार है। क्या कह रहा आशु? गर्मी बहुत है आज, मेरा बाबू नहाने आया। तो भाई गाड़ी पहुँच गई अपनी वॉशिंग सेंटर पे, अब इसे साफ करा देते हैं फटाफट। टाइम लेट देखें तब तक के लिए ना। ओ मैंग गोलगप्पे खाएगा? खाएंगे। आते वक्त? आते वक्त। सही है इसके? सही होंगे, टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट कर लेंगे। वी आर हेडिंग टू वर्ड द आसू हाउस। हिंदी बोलना, यो अंग्रेजी समझ में आती मारे? हम आसू के घर की तोड़ घर की ओर को बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ हमें घूर रही है दीदी, हमें घूर रही है। तो इधर ही पैसे कहाँ है? घर तू चला जाना, जा बैंक भाई, बैंक जा। मैंग काटेगा नहीं, बैंक सुसु कर ले भाई। आसु यार ये एरिया बढ़िया लगा मुझे बैठने के लिए, अगर इसे थोड़ा सा ये सामान ना हो। अब भाई साहब ये थोड़ा सा सामान ना हो तो कमाएंगे कैसे? हाँ ये। तो भाई फाइनली गाड़ी तो हो गई रेडी वॉश होके और अच्छे से साफ भी हो गई, तो अब चल रहे घर। अभी आ रहा है मैं कुछ बात कर रहा हूँ उससे, वॉशिंग वाले से, उसका जानकार है। तो फिर चल रहे अभी यहाँ से फटाफट कर निकलते हैं, बैंक को भी देरी हो रही है तो जल्दी से निकलते हैं। गाड़ी की चाबी ले ली क्या? अरे अभी तो इसके वो भी डलेंगे अंदर, मैट भी नहीं डले। मैट रह गए, मैट गाड़ी का मैट नहीं डल गया? नहीं अभी नहीं डले, मैट मैट। तो भाई गाड़ी अंदर से इतनी साफ हो गई है भाई, सब जूते साफ कर। उस रोड पे एक दो फोटो खींच लेंगे। और यहाँ तो वैसे भी हर्ष कह रहा था फोटो खींचने के लिए, आंसू के भी खींच जाएंगे फोटो। तो आंसू ने खींचा ना घर?
मैं तुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मम्मी से डर लग रहा है? नहीं बाबा, डर तो लग रहा है। भाई देख सनसेट कितना प्यार आ रहा है। अबे यार चीरू तो सनसेट नहीं दिखा रहा यार, बार बार छुपा लेता पेड़ों के पीछे। वो अब बहुत पीछे, अभी भाई सनसेट दिखाता हूँ तुम्हें, अगर दिखेगा तो दिख तो जाना चाहिए। भाई इतना गंदा सिस्टम है, देख कोई नहीं जगह देने का। वो टेम्पो वाले भी पूरा जिद मारा रहेगा, गाड़ी वाले भी पीछे। देखिए प्रेग्नेंट है, देखिए होता है आदमी डेडिकेशन, जहाँ जगह मिली वहीं पीना। सनसेट देखो भाई, ये देखो सनसेट कितना प्यार हो रहा है, देख रहा भाई। चलो तो मैं देखे वरना हम सब देख ले फिर इकट्ठा। ड्राइवर भैया जल्दी चलो, नेट पे देख लो ना एलेक्सा खड़ जाए। चलो 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 जल्दी आग ले लो। तो फाइनली भाई अब आ गया था मैं घर। गाड़ी का यार सामान लगा देता हूँ ना। अबे पेपर कहाँ रखे हैं? शिट ओ शिट बे, और पेपर तो जहाँ हमने पानी पता से खाए थे वहां रह गए, वहां से लिखाने पड़ेंगे। शिट शिट शिट, पेपर पानी पतासे वाले के पास रखे थे। तो फाइनली भाई मेरी बात हो गई आसू से। आसू ने घर पे फोन करके बोल दिया कि पापा ऐसे ऐसे वहाँ पे पेपर रह गए तो आप वहां से जाके ले लो। तो उन्होंने ले लिए, अपने पास रख लिए, तो अब मैं फटाफट जाके उन्हें लेके आ जाता हूँ। तो भाई आ गए थे, ले लेता हूँ पेपर ना, डॉक्यूमेंट अब इनसे ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स। भाई वो पानी पतासे वाले से पेपर वो ले होंगे, दो बैग वो दे दो, बात करवा दो आसू की, कर दे दोबारा कॉल कर दे। तो भाई बात करने के लिए कह रहा आसू से, मैं श्योर होने के लिए कि वही हमें है या नहीं हो रहे। भाई बहुत प्रेस हो गया था मैं तो एकदम से। आसू ले बात करियो भाई से। हेलो अरे आसू ले वो एक बैठे हो सही ना लग रहा है। एक बर्गर ले लेंगे, खा के चलेंगे। बर्गर खाएगा ले भाई, थैंक यू भाई, कट कर दिया। चल ऑनलाइन पेमेंट कर दे, ले ले बर्गर खा ले भाई। अब यहाँ पे अब बर्गर खा लेते हैं यहाँ पे, अब जाकर तसल्ली हुई है भाई। मैं तुम्हें ही पता ना क्या हाल हो गया था मेरा घर का। एकदम भैया सेट करके बनाना तुमने, चाउमीन खा लो भाई, खाने का मैक्रोनी भी है, बर्गर तो बनेगा। तो भाई दोनों बैग मिल गए, मैंने सामान भी चेक कर लिया दोनों के अंदर पूरा है, और इसमें ही मैंने देख लिया तो इसमें भी पूरा सामान रखा है। अब तो मैंने पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा ना कहीं भी, तो बस घर ही जाकर छोड़ना। भाई अब जा रहा हूँ घर, और मेरी खुशी का ठिकाना मैं बता नहीं सकता। पेपर मिलने के बाद मैं इतना कितना खुश हुआ, अब मैं अगर डिस्क्राइब करूँ ना अपनी खुशी तो हल्का सा एक डेमो देता हूँ। तो यहाँ शायद रेड लाइट हो रही है आगे, यहाँ रुकना पड़ेगा। चलो मैं घर जाके बात करता हूँ। तो अब यार आ गया था घर लेके डॉक्यूमेंट्स, अभी ने कहता तो मैं इसमें रख देता हूँ गाड़ी में वापस ना। मैं आते के साथ यार मैंने देखा, मतलब मैं आया, मैंने कहा चलिए लगा देता हूँ वो। अब देखो तो पेपर गायब, इतनी टेंशन हो गई एकदम से मिनटों सेकंड में, बहुत ज़्यादा